दाढ़ी के बारे में भी कुछ फरमा दीजिए। दाढ़ी के बारे में क्या फरमाऊं? आपके ख्याल में दाढ़ी रखना जरूरी है, सुन्नत है, फर्ज है? देखिए, बस ये समझ लीजिए कि कुछ चीज़ें हमारे दीन में लाजिम की गई हैं, जैसे नमाज है, जैसे रोज़ा है, जैसे हज है, जैसे अदल करना है, जैसे एहसान करना है, जैसे रिश्तेदारों को पर खर्च करना है, ज़कात देना है, बहुत सी चीज़ें फ़र्ज की गई, बहुत सी चीज़ें हमारे दीन में पसंदीदा हैं, उनको आदाब कहते हैं, उनको मुस्तहब कहते हैं, यानी अल्लाह उनको पसंद करता है। कुछ चीज़ें नापसंदीदा हैं, कुछ चीज़ें बिल्कुल ममनू हैं, प्रोहिबिटेड हैं। उन तमाम चीज़ों की अल्लाह ताला ने बिल्कुल वाज़े तालीम दी है कुरान में, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और कुरान और सुन्नत दोनों के ज़रिए से उसको बता दिया गया, उसमें कोई इख्तलाफ नहीं। इसके बाद कुछ चीज़ें वो होती हैं जो इंसान मोहब्बत के जज्बे से करता है। देखिए, हमारे यहाँ एक बड़े लीडर थे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, तो उनके बाद बहुत से लोगों ने जैसी वो टोपी पहनते थे, जिन्ना कैप, वो पहनना शुरू कर दी। ये मोहब्बत का इजहार है, आम शख्सियात के साथ भी लोग करते हैं, अपने लीडरों के साथ भी करते हैं। तो सारे रहनुमाओं के रहनुमा हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम, यानी इन रहनुमाओं की क्या नस्बत है, जो नस्बत खाक रबा आलम पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम के साथ भी हम में से हर एक को बेपनाह मोहब्बत है, बेपनाह अकीदत है। तो इस अकीदत का इजहार बाज़ औक़ात लोग इस तरह भी करते हैं कि वो आपकी शक्ल व सूरत इख्तियार करने की कोशिश करेंगे, आप जैसा लिबास पहनने की कोशिश करेंगे, ये इजहार मोहब्बत है। इजहार मोहब्बत के कोई कवानीन नहीं होते, यानी आप फैसला करते हैं। इमाम मालिक के बारे में ये कहा जाता है कि वो जितनी देर तक मदीने में रहे उन्होंने कभी जूता नहीं पहना, यानी उनका एहसास ये था कि मालूम नहीं रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम कहाँ आए होंगे। तो ये इजहार मोहब्बत है, इसको कानून न बनाइए। तो दाढ़ी रखना ना रखना ये मोहब्बत के दायरे की चीज़ है, ये ना फ़र्ज़ है, ना वाजिब है, ना सुन्नत है, ये सिरे से दीन का कोई हुक्म ही नहीं है।